हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे छोटे बैंक के बारे में जिसमें पॉजिटिविटी बनी हुई है काफ़ी समय से, और कहीं ना कहीं जो वर्स्ट सिचुएशन थी इसमें वो ओवर होती हुई नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं टर्न अराउंड स्टोरी नज़र आ रही है। मुझे लगता है 100 रुपये के आसपास ये बैंक आपको अवेलेबल है। अगर आप इसको 1 से 1.5 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, डेफिनेटली पैसा 2 गुना होने की संभावनाएँ पूरी तरह से है। जी हाँ, DCB बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका अवेलेबल है। पिछले कुछ समय में अच्छी खासी रिकवरी भी नज़र आई है, परंतु मुझे लगता है जिस तरह की इसमें पिछले कुछ समय में गिरावट रही थी, ये रिकवरी कुछ भी नहीं है, ये अभी शुरुआती है, और आगे आपके पैसे इस यहाँ से भी डबल होने की संभावनाएं मुझे लगती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ आप बने रह सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक का बटन भी दबा सकते हो। वेरी फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, और चैनल के साथ नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। बात करना चाहूँगा DCB बैंक की फ्राइडे की क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। 103.55 रुपये पे क्लोजिंग, 3.5% की तेज़ी इसमें नज़र आई थी। यहाँ पे देखिए इसकी सिचुएशन बताना चाहूँगा। एक वीक में 10% भागा है, पिछले एक महीने में 23%, पिछले 6 महीने में 44%, 2022 में 30%। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें अच्छी खासी रैली हो चुकी है क्योंकि पिछले 6 महीने में 44% तक भाग चुका है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे तेज़ी अभी भी कुछ भी नहीं है। 1 साल के टाइम रेजन पे 9% है, परंतु जैसे आप 5 साल का टाइम करोगे अभी भी 45% के निगेटिव रिटर्न इसमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन बताऊँ और इसके बाद यहाँ पे चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। तो NSE की वेबसाइट पर डेफिनेटली हम DCB बैंक सर्च करके रखेंगे। तो दोस्तों DCB बैंक यहाँ पे मैंने खोल करके रखा है, आप देख सकते हो कि इसकी क्लोजिंग 103 रुपये पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग 100 रुपये के आसपास थी, ओपन 101 रुपये, हाई 105.85 रुपये, लो 101 रुपये, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 103 रुपये। क्वांटिटी जो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करूँ कि कितनी यहाँ पे ट्रेड हो रही है, लगभग 50 लाख शेयर की ट्रेडिंग होती है और 22 लाख शेयर की डिलीवरी, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अच्छी नज़र आ रही है 45% के आसपास की। चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा कि किस तरह की पैटर्न इसमें बन रही है और क्यों मैं इतना ज़्यादा इस पर बुलिश हूँ। तो दोस्तों DCB बैंक का चार्ट आपके सामने है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोल करके रखी है क्योंकि लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा पुराने नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 2021 के स्टार्टिंग में बात करें तो 125 के आसपास ये ट्रेड करा करता था, वहाँ से लगातार लोअर लो की सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं डबल बॉटम यहाँ पे 70 के लेवल के आसपास बनाया। उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं दिखाया, लगातार हायर हाई की सिचुएशन भी बनती हुई नज़र आ रही है। 105 अपने आप में 105-106 का हर्डल है जो कि यहाँ पे हर्डल इसने फेस किया है। मुझे लगता है 105-106 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा, आपको ये लेवल जो 125 के दिखाई दे रहे हैं वो तुरंत ही वेरी फास्ट नज़र आ सकते हैं। 125 तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट ही है। मुझे लगता है 90 रुपीज़ के SL के साथ इसमें पोजीशन डेफिनेटली बनानी चाहिए। 105 के ऊपर 15 पॉइंट का SL रहेगा, उसके बाद यहाँ पर टारगेट 125 ही है। 20 पॉइंट का टारगेट तो इमीडिएट बेसिस पर मिलेगा, और आगे आने वाले दिनों में 200 की तरफ भी भागता हुआ नज़र आएगा क्योंकि इसमें भी यहाँ पे 125 का लेवल निकलने के बाद भी यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड यहाँ से मुझे दिखाई देती है। बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है, बहुत ज़्यादा पीटा हुआ बैंक है, परंतु सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है। यहाँ पे ऑन फॉर बात करें जिस तरह की प्राइस में यहाँ पे धुलाई होती हुई दिखाई दी थी, तो कहीं ना कहीं प्राइस अपने आप में एडजस्ट होती हुई दिखाई देगी। 200 का टारगेट मुझे लगता है 1 साल के लिए आप इसको रखते हो तो यहाँ से मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। 65 का RSI का लेवल, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे बाइंग साइड नज़र आ रहा है। तो मैं चाहूँगा DCB बैंक को आप स्टडी करिए और इसके बाद ही फाइनल कोई डिसीजन लेने की कोशिश करिए। अगर 90 रुपये के आसपास जितना आता है और वहाँ पर मिलता है तो और भी बढ़िया बात होगी क्योंकि आपका SL इतना छोटा होता जाएगा। 105 के ऊपर फ्रेश खरीदारी या पे और फ्रेश अपमो आने की पूरी संभावनाएं मुझे लगती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कॉरिडोर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।